हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू वेल्थ एकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद विदर करंट अफेयर्स लेक्चर और दिसंबर एंड जनवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है वी विल ट्राई टू कवर दैट आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इकनॉमी और वो है मोनिटरी पॉलिसी की मोनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो कि मोनिटरी पॉलिसी की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा पब्लिश की जाती है सो द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज दोनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ना वॉट इज एम पी सी मोनिटरी पॉलिसी कमेटी तो मोनिटरी पॉलिसी कमेटी देश की इकोनॉमी को बराबर चलाने के लिए उस पर मॉनिटर रखने के लिए जो भी बैकग्राउंड में चेंजेस करने की ज़रूरत है जो बेसिक रेट्स है इकनॉमी के रेपो uh, रेट हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया सी एस आर हो गया ये सारे रेट्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में तीन लोग आरबीआई की तरफ से होंगे एंड थ्री पीपल विल बी फ्रॉम दी गवर्नमेंट हु विल बी पुटिंग द गवर्नमेंट्स आइडिया इन ऑन द प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ अगर टाई होता है कोई भी डिसीजन पर सो मोनिटरी पॉलिसी की कमेटी के जो चेयरमैन है विच इज़ अल्टीमेटली दी आर गवर्नर तो उनका जो वोट होगा उनके पास एक्स्ट्रा एक वोट होगा वो डिसाइड करेगा कि कोई डिसीजन लेना जा ले जाना चाहिए या आगे नहीं ले जाना चाहिए सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड द मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 2021। ट्वेंटी वन इट केप्ट पॉलिसी रेट अनचेंज्ड फॉर दी नाइन्थ टाइम इन अ रो मेंटेनिंग एंड अकोमोडेटिव स्टांस तो देखिए जब से जी एस टी आया नोटबंदी um, लाई uh, गई डिमोनीटाइजेशन का जो पूरा एक पीरियड uh, चला उसकी वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द मार्केट और मार्केट में uh, जो पहले जो खुलकर जो चोरियाँ होती थी चोरियाँ इन देंस के लोग uh, गफले करते थे वो धीरे धीरे क्या हो गए बंद हो गए क्यों बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ इन अ वे स्कैड ऑल ऑफ दैम राइट सो एक मार्केट मार्केट में एक डर जैसा बैठ गया है कि भाई ये गवर्नमेंट कभी भी रिफॉर्म्स के नाम पर आ, कोई भी बड़ा चेंज कर सकती है सो इट इज़ गुड कि आपके पैसों को स्टॉप कर दिया जाए आपके पास और इन्वेस्ट ना किया जाए इसकी वजह से जो मार्केट में जो फ्लो था वो क्या हो गया है स्लो हो गया है देन वी हैट फेस्ड कोरोना फॉर लास्ट वन पॉइंट फाइव टू ईयर्स उसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है तो उसकी वजह से आर बी आई स्ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को लिक्विडेट किया जाए इकोनॉमी में आ, लिक्विड किया जाए इसलिए आ, जो रेट्स है वो अनचेंज्ड रखे गए हैं ओके सो आर बी आई रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द नाइन्थ स्टेट टाइम ऐसा हिस्ट्री में पहली ही बार हो रहा है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे जो बेसिक इकोनॉमी के जो रेट्स है दो हज़ार प्ट अनचेंज्ड बाई आर बी आई सो द रिजर्व बैंक हैज स्लैश द रेप मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू सॉफ्ट एंड दी पेंडेमिक तो पेंडेमिक के बाद की जो असर हुई है इकोनॉमी को उसको थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए आर बी आई उसको चेंज नहीं कर रहा है रिसेंट पॉलिसी रेट्स क्या है एज ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर परसेंट रिवर्स रेपो रेट थ्री पॉइंट थर्टी फाइव परसेंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एम एस एफ दैट इज फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड बैंक रेट इज फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट आई एम श्योर देट यू ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस रेट्स इन डिटेल और ऑल दिस टर्म्स इन डिटेल इन योर इकोनॉमिक्स लेक्चर जी डी पी प्रोजेक्शन क्या किया है आर बी आई की मोनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट ने सो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर ट्वेंटी 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 टू हैज़ बीन रिटेन्ड एट नाइन पॉइंट फाइव परसेंटेज इन्फ्लेशन कितना है सो आर बी आई हैज रिटेन्ड द प्रोजेक्शन फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एट फाइव पॉइंट थ्री परसेंटेज वेरिएबल रिवर्स रेट रेपो सो इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इट विल एब्जॉर्ब

तो आर लोगों को ये बताना चाह रही है कि ओके यू लिक्विडेट योर मनी एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ़ योर मनी इन अ गुड वे ताकि इकोनॉमी चले एवरीबडी इज़ इन नीड कि इकोनॉमी ठीक से चले सो आर इज़ इन प्रैक्टिस के वो ये लोगों को ये ट्रस्ट दिलाए सो आर बी आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ एन अकोमोडेटिव स्टांस अंटिल देर इज़ अ सस्टेनेबल रिकवरी इन दी इकनॉमी एंड एकोमोडेटिव स्टांस मीन्स एम पी सी इज़ विलिंग इधर लोअर रेट्स और कीप दैम अनचेंज्ड लोअर रेट्स का मतलब क्या है रेपो रेट लोअर रखने का मतलब क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन uh, लेने के लिए आर बी आई इनक्रेज कर रहा है कि आपको कम रेट्स में लोन मिल रही है यू बाय थिंग्स जब आप बाय करोगे तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे जो रेट्स है वो नीचे जाएंगे सिग्निफिकेंस क्या है ऐसे अकोमोडेटिव स्टांस का सो इट एनकरेज मोर स्पेंडिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड बिजनेस बाई मेकिंग मनी लेस एक्सपेंसिव टू बोरो थ्रू द लोअरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स तो देखिए आज से दो तीन साल पहले क्या हालत थी कि अगर आप को टू व्हीलर है एंड इफ़ यू गो टू अ बैंक बैंक आपसे आठ परसेंट नौ परसेंट का इंटरेस्ट मांगती थी अब वही घट के चार परसेंट पाँच परसेंट छः परसेंट हो गया है तो लोन ले लेने का जो रेट है ब्याज दर जो है दैट इज रिड्यूस्ड वो कम हो गया है तो पहले आपको सौ रुपये पे दस रुपये ग्यारह रुपये ब्याज देना पड़ता जो कि घट अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है एंड इसी को बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टांस कि आर बी आई इज़ एनकरेजिंग पीपल कंज्यूमर्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाई करो जब आप पैसा बाई करोगे तभी जाके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और पूरा जो एक प्रोसेस चेंज जो स्टॉप हो गया है ड्यू टू कोरोना ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन उसकी वजह से वो वापस स्टार्ट होगा सो वेन मनी इज ईजिली एक्सेसिबल थ्रू बैंक्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस दिस लीड्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग इट अलाउज द फिजिकल रिजर्व टू इनक्रीज इन रिलेशन टू नेशनल इनकम एंड द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ मनी डिमांड इट हेल्प एनर्जाइज द नेशनल मनी स्टॉक एंड प्रिवेंट अ वीक एग्रीगेट डिमांड ऑबिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन देयर फॉर इट कैन बी सेट दैट एन अकोमोडेटिव स्टांस विल हेल्प इम्प्रूव इंडियाज ग्रोथ और देखिए इंडिया की इकोनॉमी सेविंग्स वाली इकोनॉमी है तो कोरोना के बाद जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई हैज हैजड रेपिडली अप और जैसे डेवलप्ड कंट्री या यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ को जैसे इफ़ेक्ट uh, हुआ है कोरोना के बाद इकोनॉमी में इंडिया को उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है यस डेफिनेटली देर आर जॉब लॉसेस थोड़े लोअर ग्रो लोअर पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं बट स्टिल वी आर ग्रोइंग जस्ट फॉर ओनली वन क्वार्टर जब पूरा लॉकडाउन था इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वाटर ओनली अवर ग्रोथ वॉज इन नेगेटिव अदरवाइज आफ्टर दैट अवर ग्रोथ हैज़ कंटिन्यूसली इन द पॉजिटिव ट्रैक ओके चलिए मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट क्या है सो इट इज़ पब्लिश बाई द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आर बी आई इट इज़ अ स्टेचूटरी बॉडी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द RBI Act 1934 एक्ट maintaining price stability फॉर keeping प्राइस स्टेबिलिटी the कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ ओके तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रेट्स को ऊपर नीचे करती रहती है एंड दे आर लाइक अ वॉच डॉग एजेंसी इट डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ फोर परसेंट और इसमें आपको प्लस और माइनस टू परसेंट का लीवे दिया गया है विथ अ लीवे ऑफ टू परसेंट पॉइंट्स ऑन इधर साइड द गवर्नर ऑफ़ आर बी आई इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी तो जैसे ही कोई इंसान आर बी आई का गवर्नर बनता है ऑटोमेटिकली ही और शी विल बिकम दी चेयरमैन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें छः लोग होंगे थ्री विल बी फ्रॉम आर बी आई थ्री विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट केस ऑफ टाई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का जो वोट है दैट विल बी अपलिकेबल इसका जो कोरम है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का दैट इज फोर पर्सन मतलब क्या है कि अगर फोर मेंबर्स ऑफ द मोनिटरी पॉलिसी कमेटी मिनिमम फोर मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन राइट अगर चार से ज्यादा मेंबर है तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक चार मेंबर ना हो जाए की टर्म्स जो हमने डिस्कस किए वो क्या है सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट मोस्ट इजी सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू अ कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्ट फॉल ऑफ सेंट्रल बैंक परचेज इज द सिक्योरिटी रिवर्स रेट इज द रेट एट विच द आर बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री बैंक रेट इट इज़ द रेट चार्जड बाय आर बी आई फॉर लैंडिंग फंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सो एम एस एफ इज अंडो फॉर स्कैडूल्ड बैंक टू बोरो ओवर नाइट फ्रॉम द आर बी आई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन वैन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली राइट सो दीज आर ऑल द नोन टर्मिनोलॉजीज फॉर अस ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है

जिस, जो गवर्नमेंट ने इशू किया हो सो जीसेक इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स इट अक्नोलेजिज द गवर्नमेंट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन पास इन अवर लेक्चर्स, कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स क्या है सो इट मेजर्स चेंजेस फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस

देखिए नदियों के इंटरलिंकिंग की जो बात है उसके बारे में आगे भी हमने एक टॉपिक ऐसा हमने देखा था जहाँ पे मैंने आपको एक पूरा चार्ट दिखाया था कि कौन सी कौन सी नदियों को फ्यूचर में जोड़े जाने की स्कीम गवर्नमेंट बना रही है तो ये बहुत ट्रिकी सा सब्जेक्ट है क्यों क्योंकि वाटर इज़ अल्टीमेटली अ स्टेट इशू बट जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट विल पिच इन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक अ यूनिवर्सल लॉ जिसको सबको मानना पड़ेगा बट मानना पड़ेगा और मान लेने में डिफरेंस है सो मल्टीपल रिवर्स के जो पानी के राइट्स के ऊपर स्टेट्स लड़ते रहते हैं दिस इज सच दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट और इंटरलिंकिंग को एक्सपर्ट्स जो है वो ये मानते हैं कि यू आर डिस्टर्बिंग दी ओवरऑल नेचुरल हैबिटेट्स ओके तो वो नहीं होना चाहिए बट गवर्नमेंट के पास साइंटिफिक बैकिंग uh, है कि ओके इफ द प्रोजेक्ट इज़ प्लान्ड विथ साइंटिफिक फाइंडिंग्स तो ये ऐसे जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इरिगेशन सेक्टर के लिए दिस दिस विल बी अ ग्रेट बूस्ट अप सो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट और ये, तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ओके okay. तो केन और बेतवा नाम की दो नदियों के इंटरलिंकिंग करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है द प्रोजेक्ट एनविसेज इज ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा रिवर बोथ ट्रीब्यूटरीज ऑफ यमुना द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन एट ईयरस देखिए दो नदियों को जोड़ने का काम है वो लगभग आठ सालों में पूरा होगा एंड गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि देश की सभी नदियों को uh, जोड़ा जाए ओके सो इट्स अ मेगा मेगा प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीट होने में हो सकता है कि आने वाले सौ डेढ़ सौ साल लग जाएंगे सो टू स्टेट्स टू रिवर्स एंड अ लिंक तो आप यहाँ पे देख देख सकते हो कि दिस इज द केन रिवर एंड दिस इज द बेतवा रिवर तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको वो नदियाँ बहती हुई यहाँ पे दिखेगी क्या है सो इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स तो ये पहला ऐसा प्लान है जो अप्रूव हुआ है नदियों को इंटरलिंक करने के लिए अभी तक आइडिया था वो बस सिर्फ इनिशियल फेज में डिस्कस ही हो रहा था उसके ऊपर कभी भी एक्चुअल एक्ट act नहीं किया गया बहुत सारे रिपोर्ट सबमिट किए गए, गए गवर्नमेंट को बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई बट uh, वो सारा जो खर्च है उसके ऊपर कोई एक्चुअल काम नहीं हुआ सो इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स द केन बेतवा लिंक कैनाल विल बी ट्वेंटी ट्वेंटी वन किलोमीटर लॉन्ग इंक्लूडिंग अ टू किलोमीटर लॉन्ग टनल तो देखिए 221 सौ इक्कीस किलोमीटर का एक कैनाल बनाया जाएगा जिसके थ्रू इन दो नदियों का पानी एक से दूसरी नदी में भेजा जाएगा फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर देखिए यहाँ पे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जिस नदी से आपको पानी भेजना है दैट शुड बी ऑन दी अपर रेपेरियन मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा होना चाहिए और उसका फ्लो जो है वो डाउन होना चाहिए दूसरी नदी की तरफ तभी साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल राइट right, अगर आप पानी को ऊपर भेजने की कोशिश करोगे अपर साइड में तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट और वो पूरे प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्यों क्योंकि अल्टीमेटली आपको पानी को पैसा खर्च करके मोटर के थ्रू पुश करना पड़ेगा और इतने सारे पानी को पुश करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क सो केन एंड बेतवा रिवर्स क्या है सो केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना केन मीट्स द यमुना इन बोंडा बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विथ बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ यूपी राजघाट परिचा एंड माता तीला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व तो केन रिवर तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है बैकग्राउंड क्या था सो द आइडिया ऑफ लिंकिंग केन रिवर विथ बेतवा रिवर गॉट अ मेजर पुश इन ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड फाइव वेन अ ट्री पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वॉज साइंड अमोंग सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश तो दो हजार पाँच से ये प्रोजेक्ट के ऊपर डीपली uh, सोचना स्टार्ट हुआ इन टू थाउजेंड एंड एट The centre declared Kane Betwa liver linking project a national project. Later, it was included as a part of the Prime Minister's package for development of drought prone Bundelkhand region. In 2021, a memorandum of agreement was signed for implementation of this project among the Ministry of Jal Shakti and the two states. अब देखिए अब ये प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी फास्ट पेस पे हो सकता है एटलीस्ट स्टार्ट वो फास्ट पेस पे हो सकता है वाई बिकॉज इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश एंड इन उत्तर प्रदेश द रूलिंग पार्टी इज़ द सेम सो जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी इजीली हो पाएगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी इस प्रोजेक्ट के लिए सो स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉल्ड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विल बी सेटअप टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट तो एक नई एजेंसी बनाई जाएगी द नैशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज नीरा हैज़ द पावर्स टू सेटअप द स्पेशल परपज़ वहीकल फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स तो देखिए बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है जो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाएंगे उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो प्रोजेक्ट दी गई टाइमलाइन के अंदर पूरा हो पाएगा एक Uh, जवाबदेही डिसाइड हो पाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो पाएगी और जो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली इट विल बी बेटर द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी हैज़ द पावर्स टू सेटअप अ स्पेशल पर्पज वहीकल फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स कौन से कौन से फेजिज में ये प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है तो द प्रोजेक्ट हैज़ टू फेजिज विथ मेनली फोर कंपोनेंट्स सो फेज़ वन विल इन्वॉल्व वन ऑफ द कम्पोनेंट्स दैट इज़ गौधन डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सब्सिडियरी यूनिट सच एज लो लेवल टनल हाई लेवल टनल केन बेथआ लिंक केनाल एंड पावर हाउसेज बनाए जाएंगे फेज टू विल इन्वॉल्व थ्री कम्पोनेंट दैट इज लोअर ओर डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बैरेज को वहाँ पर बनाया जाएगा बेनिफिट्स क्या होंगे ऐसे इंटर लिंकिंग के सो द प्रोजेक्ट्स लाइज इन बुंदेलखंड अ ड्रॉट प्रोन रीजन तो ज़्यादातर बुंदेलखंड में क्या होता है बारिश कम होती है जिसकी वजह से वहाँ के किसानों की बड़ी बुरी हालत है और वो ड्रॉट प्रोन रीजन है विच स्प्रेड्स अक्रॉस थर्टीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश तो देखिए लगभग पंद्रह से बीस करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं उनको और उसके आसपास के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट को भी इससे अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचेगा अकॉर्डिंग टू दल शक्ति मिनिस्ट्री द प्रोजेक्ट विल बी

तो आने वाले प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और हमें वाटर स्केर्सिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दल शक्ति मिनिस्ट्री द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एन्यूअल इरीगेशन ऑफ टेन पॉइंट सिक्सटी टू लैख हेक्टेयर्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू अबाउट सिक्सटी टू लैख पीपल एंड जनरेट वन ज़ीरो थ्री मेगा वोट ऑफ हाइड्रो पावर एंड ट्वेंटी सेवन मेगा वोट ऑफ सोलर पावर तो ये सारी एस्टिमेशन एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने दी है द एक्चुअल एस्टिमेशन हो सकता है इससे थोड़ी डिफर करे चैलेंजेस क्या है सो सबमर्जेंस ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व सो अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द रिजर्वर ऑफ दौधन डैम विल इन्वॉल्वर थाउजेंड हेक्टेयर एरिया आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर कम्स अंडर पन्ना टाइगर रिजर्व तो अब इसको पन्ना टाइगर रिजर्व को भी हमको क्या करना पड़ेगा डिस्टर्ब uh, करना पड़ेगा टू मिटिगेट दिस थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट इज नौरा दे रानी दुर्गावती ऑफ एमपी एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश आर प्लान टू बी इंटीग्रेटेड विद पन्ना टाइगर रिजर्व सेवरल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड सो वरियस टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेज आर रिक्वायर्ड सच एज टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस टू बी गिवन बाई सेंट्रल वाटर कमीशन फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू बी गिवन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज री सेटलमेंट एंड रीहेबिलटेशन प्लान फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन टू बी गिवन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका विस्थापन करना पड़ेगा उनका रीहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का भी पूरा प्लान बनाना पड़ेगा तो वी नीड टू सी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स उनको दिए गए हैं उससे वो वायोलेट ना करे और वो सारे अप्रूवल्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू देने पड़ेंगे वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड अ ह्यूज प्रोटेस्ट वेल द सरदार सरोवर डैम वॉज बींग बिल्ट तो सरदार सरोवर डैम के फ़ायदे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर देयर बट बिफोर द कंस्ट्रक्शन मैनी सोशल एक्टिविस्ट है स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दुजरात गवर्नमेंट कि भाई हम चाहे कितना भी इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है uh, हम ये प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे लेटर ऑन द सेटलमेंट थिंग्स हैपन एंड आज आप देख रहे हो कि कितना बड़ा फ़ायदा गुजरात मध्य प्रदेश के जो वो पर्टिकुलर रीजन है अराउंड द नर्मदा रिवर उसको हो रहा है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी क्या है सो द सेंटर गवर्नमेंट इज कंटेम्परेटिंग क्रिएशन ऑफ द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी अभी तक बनी नहीं है नीरा इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी फॉर प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन फिनंसिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन दी कंट्री नीरा विल फंक्शन एज एन अम्बरेला बॉडी फॉर

and will also have powers on issues related to environment wildlife and forest clearances under river linking projects and their legal aspects nira will have the power to raise funds and act as a repository of borrowed funds or money received on deposit or loan given on interest it will also have the power to set up a financial uh, special purpose vehicle फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट जो कि हमने आगे ऑलरेडी देख लिया आइडिया कहाँ से आया कि भाई ऐसे नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है पानी की कमी के कारण सो ओरिजिन ऑफ दिस आइडिया लाइज इन द ब्रिटिश एरा सो द आइडिया वॉज फर्स्ट मोटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वेन सर आर्थर कॉटन आपको ये नाम याद रखना है एग्जाम में यह नाम पूछा जा सकता है सो द आइडिया वॉज फर्स्ट मोटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वैन सर आर्थर कॉटन अ ब्रिटिश जनरल एंड इरिगेशन इंजीनियर सजेस्टेड लिंकिंग द गंगा एंड द कावेरी फॉर नेविगेशनल पर्पजेस एम क्या है सो द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम इज एम्ड एट लिंगिंग डिफरेंट सरपलस रिवर्स ऑफ द कंट्री विथ डेफिशियंट रिवर्स सो दैट द एक्सेस वाटर फ्रॉम सरपलस रीजियंस कुड बी डाइवर्टेड टू डेफिशियंट रीजियंस नीड फॉर सच प्रोजेक्ट क्या है सो रिड्यूसिंग रिजियनल इम्बेलेंस इंडिया डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेंज देट आर इरेटिक एज वेल एज रीजनल इम्बेलेंस वी ऑलरेडी विटनेसड दिस कि कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर एकदम सूखा है so india depends on monsoon rains which is regionally imbalanced interlinking of rivers will reduce the amount of surplus rain and river water which flows into the sea irrigation for agriculture ko kaise hoga so interlinking can provide a solution to the rain fed irrigation problems of india agriculture indian agriculture through the transfer of surplus water to deficit regions right reducing water distress सो दिस कैन हेल्प इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट अदर बेनिफिट्स क्या होंगे इसके सो हाइड्रो पावर जनरेशन सोलर पावर जनरेशन राउंड द एयर नेविगेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोलॉजिकल बेनिफिट्स एज ड्राइड अपॉरेस्ट एंड लैंड विल भी रेप्लेनिस्ड तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फ़ायदे हैं उसके कम नुकसान है फ़ायदे ज़्यादा है सो एक्सपर्ट्स आर लिटिल बिट वरीड कि अल्टीमेटली आज से पचास साल बाद या सौ साल बाद वेन यू एक्चुअली लिंक द रिवर्स हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट और अगर नेचर में कोई चेंजेस होते हैं सडनली लेट से जो अपर रेपेरियन स्टेट है लेट से वो अगर लोअर रेपेरियन uh, स्टेट बन जाता है या पानी का फ्लो बदल जाता है किसी वजह से सो हाउ दिस प्रोजेक्ट आर गोइंग टू वर्क सो so, ये सारी चीज़ें अभी तक कंसिडरेशन में नहीं ली गई है एंड दैट्स वाई द एनवायरमेंटलिस्ट एंड द फ्यू अदर एजेंसीज़ आर वर्ड सो ये हमने बात की पूरी केन बेतवा रिवर लिंकिंग के बारे में और कहाँ से ये आइडिया ओरिजिन हुआ था उसके बारे में सो द सेम चार्ट वी ऑलरेडी डिस्कसड अर्लियर कि पेनिसुलर कंपोनेंट uh, और हिमालयन कंपोनेंट में कौन सी कौन सी नदियाँ हैं जिनको फ्यूचर में जोड़ा जा सकता है राइट चलिए आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंटायर स्पेक्ट्रम हियर नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज गगनयान मिशन तो आए दिन एग्जाम में इसरो के अलग अलग मिशंस के बारे में पूछा जाता है हिंदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट सो देखिए बेसिकली इसका ओवरव्यू अगर मैं आपको बता दूँ तो गगनयान मिशन इंडिया का पहला मिशन है जहाँ पे इंडिया अपने यहाँ से किसी को ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा आज तक इंडिया ने अपने बलबूते पर ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है येस इंडियंस हैव बिन टू दिस स्पेस बट नॉट फ्रॉम इंडिया सो दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इंडिया सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस इन्फॉर्म्ड दैट द क्रूड गगनयान मिशन will finally be launched in 2023. The country's first space station is likely to come up by 2030. तो so, इसरो बड़े बड़े ज़्यादा पेस से काम कर रहा है और जिसकी वजह से हमें 2030 तक हमारा पहला इंडियन स्पेस स्टेशन मिल सकता है गगनयान क्या है सो गगनयान इज़ अ मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंडियाज़ स्पेस एजेंसी अंडर द गगनयान स्कड्यूल three flights will be sent into the earth orbit there will be two unmanned flights and one human space flight will be sent the gaganian system module called the orbit, orbital module will have three indian astronauts including a woman it will circle earth at a low earth orbit at an altitude of 300 to 400 km from earth for 5 to 7 days With that launch, India will be in the elite club of nations. So, America, China and Russia hi आज तक अपने-अपने astronauts को आ, space में भेज पाए हैं. manned mission होगा और यही पूरा चीज जो हमने अभी text में पढ़ा that is explained here. तो पहले इसका जो launch था that is early 2022 था. बाद में उसको कुछ technical delay की वजह से आ, सेकेंड पार्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू किया गया एंड नाउ द गवर्नमेंट इज सेंग दैट इसरो विल श्योरली लॉन्च द मिशन इन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा दैट विल बी जी एस एल वी मार्क थ्री लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लिफ्ट ऑफ किया जाएगा और उसको सिक्सटीन मिनट लगेंगे टू रीच द लोअर्थ ऑर्बिट पाँच से सात दिन तक हमारे जो तीन से चार नोट्स होंगे वो स्पेस में रहेंगे एंड थर्टी सिक्स मिनट्स फ्रॉम डी बूस्ट टू लैंडिंग तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो लोग घूमेंगे रोटेट करेंगे फॉर फाइव टू सेवन डेज इंडिया विल बिकम द फोर्थ नेशन टू लॉन्च अ मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द यूएसए रशिया एंड चाइना पे लोड क्या क्या कंसिस्ट करेगा सो पे लोड विल कंसिस्ट अ क्रू मॉड्यूल जहाँ पे जो व्योम नोट्स है वो रहेंगे सो स्पेस क्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बींग्स देन देर विल बी अ सर्विस मॉड्यूल सो पावर्ड बाई टू लिक्विड प्रोपेलेंट इंजिन्स एंड इट विल बी इक्विप्ड विथ इमरजेंसी एस्केप एंड इमरजेंसी मिशन अबाउट लॉन्च कैसे होगा सो जी एस एल वी मार्क थ्री ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री द थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल विल बी यूज टू लॉन्च गगनयान एज इट हैज द नेसेसरी पेलोड केपेबिलिटी गगनयान मेजर मिशन लाइक द टेस्ट व्हीकल फ्लाइट फॉर द वैलिडेशन

गगनयान मिशन इन 2023 जिसको आ, तो पहले जो अनमेंड फ्लाइट से उसमें डमी भेजा जाएगा सेकेंड अनमेंड फ्लाइट में और थर्ड फ्लाइट में मैंड मिशन में आ, तीन से चार जो व्योम नोट्स होंगे ह्यूमन बींग्स को भेजा जाएगा सिग्निफिकेंस क्या होगा ना यू कैन एस्टिमेट सिग्निफिकेंस कि क्या हो सकता है एक तो हम एलिट क्लब में आएंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा सो इट विल हेल्प इन एनहांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स इन द कंट्री एंड हेल्प इंस्पायर यूथ विन विल इन्वॉल्व न्यूमरस एजेंसीज लैबोरेटरीज डिसिप्लिन इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इट विल हेल्प द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज वेल अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस

रीजनल इको सिस्टम विल बी नीडेड एंड गगनयन विल फोकस ऑन रीजनल नीड्स लाइक फूड वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी तो अगर हमारे पास सारे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी सैटेलाइट इमेजेस होंगे तो फूड वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी को इन्श्योर करने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वी कैन

फोर ईयर्स देन नेक्स्ट वन इज एलवन आदित्य सोलार मिशन देट इज़ फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सो गगनयान से पहले आदित्य सोलार मिशन लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी है सो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन इट विल बी इसरोज सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट विच वॉज लॉन्च्ड इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ऑब्वियसली वी हैव चंद्रयान थ्री सो चंद्रयान टू वॉज अ मैसेव सक्सेस जस्ट बाई फ्यू किलोमीटर्स जस्ट ओनली फॉर टू पॉइंट वन किलोमीटर्स वो सिग्नल लॉस्ट हो गया और हमारा जो मिशन था वो हार्ड लैंड कर गया नाउ इसरो को एरर पता है रूट कॉज उसका पता है सो इसरो विल अगेन लॉन्च द चंद्रयान थ्री सो द चंद्रयान थ्री फॉलो अप फॉर चंद्रयान टू मिशन इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेसिस इंक्लूडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन सब सिस्टम रियलाइजेशन इंटीग्रेशन स्पेस क्राफ्ट लेवल डिटेल्ड टेस्टिंग एंड अ नंबर ऑफ स्पेशल टेस्ट टू इवेल्युएट द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑन अर्थ ताकि जो चंद्रयान टू में जो गैप था वो हम चंद्रयान थ्री में फिल कर पाए तो पूरी तैयारी उसके लिए भी चल रही है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर गगनयन एंड अदर मिशन फ्रॉम इसरो इन अपकमिंग टाइम सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ संपन्न प्रोजेक्ट क्या है सम्पन्न प्रोजेक्ट सो संपन्न का पूरा नाम है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन तो पेंशन को बेहतर तरीके से डिजिटली मैनेज करने के लिए सम्पन्न प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है सो ओवर वन लैक पीपल रिसीव्ड पेंशन डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू द संपन्न प्रोजेक्ट विच इज़ एब्रीविएशन फॉर सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन क्या है ये संपन्न प्रोजेक्ट सो इट वॉज लॉन्च्ड इन ट्वेंटी एटीन इट इज़ अ सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन्स पेंशनर्स इट प्रोवाइड्स डिरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन इन टू द बैंक अकाउंट ऑफ पेंशनर्स तो देखिए पहले पेंशन गाँव में पोस्ट के थ्रू दिया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि अगर आ, कोई पढ़ा लिखा इंसान ना हो तो उससे लांच मांगी जाती थी रिश्वत मांगी जाती थी कि तभी हम आपका पेंशन का जो चेक है या अमाउंट है उसको क्लियर करेंगे तो टू एलिमिनेट द मिडल मैन और मिडल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा और सारे जो बेनिफिशियरीज थे उनको जनधन खाते खोलने के लिए कहा गया एंड गवर्नमेंट हैज़ लिंक्ड देयर बेनिफिट टू द जनधन अकाउंट सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 It is a seamless online pension processing and payment system for department of telecommunications pensioners it provides a direct credit of pension into the bank accounts of pensioners it is an ambitious project being implemented by the ministry of communications it has helped the department in faster settlement of pension cases improved reconciliation auditing and ease of accounting तो जितना भी पेपर वर्क था दैट इज़ नाउ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इट हैज़ ऑल्सो बिन इंस्ट्रूमेंटल इन सेटलिंग क्लोज टू सेवेंटी सिक्स थाउजेंड बी एस एन एल वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम ट्वेंटी नाइनटीन केसेज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ सिक्स मंथ्स हमें पता है कि बी एस एन एल को क्योंकि प्राइवेटाइज करने का आ, बात गवर्नमेंट कर रही थी तो उस टाइम पर रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया गया था लोगों को वॉल्टी रिटायरमेंट का वी आर एस का उसके केसेस को भी काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में उसको सॉल्व कर लिया गया इट इज़ अ सिस्टम विथ अ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन विच अनेबल्स इट टू अकोमोडेट एवर एक्सपांडिंग रिक्वायरमेंट्स तो जैसे जैसे समय के साथ अगर नई रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करनी है तो स्पेसिफिक नीड्स भी उसमें ऐड की जा सकती है इससे बेनिफिट्स क्या मिला सो इट प्रोवाइड्स ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स विच मेक द पेमेंट प्रोसेस ईजियर एंड हैज़ल फ्री टाइमली सेटलमेंट ऑफ पेंशन केसेस एवरी पेंशनर गेट्स एक्सेस टू की इन्फॉर्मेशन लाइक पेमेंट हिस्ट्री अलॉन्ग विथ अ लॉग इन ऑप्शन तो जैसे आप बैंक अकाउंट में जैसे आप पासबुक निकाल सकते हो उसी तरह से गवर्नमेंट ने कब कब आपको कितने पैसे दिए कितने आपके खाते में जमा किए वो सारी हिस्ट्री आपको ऑन अ सिंगल क्लिक मिल सकती है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस लॉग इन फॉर ईच पेंशनर अनेबल्स एक्सेस टू की इन्फॉर्मेशन लाइक पेमेंट हिस्ट्री ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ग्रीवानसिस एंड टाइमली एस एम एस अलर्ट्स तो जो सारी बैंकिंग की सुविधाएं आम आदमी को इजीली मिलती थी अब वही सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मिल रही हैं तो दिस वाज अ स्मॉलर टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है यूनाइटेड नेशंस को रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है इंडिया का ग्लोबल इनिशिएटिव है उसमें ऑब्ज ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है सो रिसेंटली द यूनाइट नेशंस जनरल असम्बली हैज़ ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका सो इट विल हेल्प टू प्रोवाइड फॉर अ रेगुलर एंड वेल डिफाइंड कॉपरेशन बिटवीन द अलायस एंड द यूनाइटेड नेशंस डेट वुड बेनिफिट ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्लियर द फोर्थ जनरल असेंबली अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ही द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ़ द आई एस ए वॉज हेल्ड वेर अ टोटल ऑफ वन जीरो एट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली इंक्लूडिंग सेवेंटी फोर मेम्बर कंट्रीज थर्टी फोर ऑब्जर्वर कंट्रीज एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज ट्वेंटी थ्री पार्टनर ऑर्गेनाइजेशनवाइटी ऑर्गेनाइजेश तो काफी बड़े लेवल पे इसको होस्ट किया गया था इस इवेंट को पूरी इवेंट को और एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि यू एस एज़ बिकेम दन ज़ीरो फर्स्ट मेम्बर ऑफ दी आई एस ए और यू एस ए के जुड़ने से आई एस ए का जो लेवल था उसमें काफ़ी uh, मतलब अपग्रेडेशन हो गया है वी कैन से दैट आई एस ए क्या है सो द आई एस ए इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ अ ग्लोबल मैंडेट टू कैटेलाइज सोलर ग्रोथ बाई हेल्पिंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फिनंसिंग एंड टेक्नोलॉजी आई एस एज दी नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड विच सीक्स टू ट्रांसफर सोलर पावर जनरेटेड इन वन रीजियन टू फीड दी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स फॉर अदर्स देखिए इंडिया के लेवल पर क्या होता है मान लीजिए अगर गुजरात सरप्लस स्टेट है गुजरात के यहाँ डिमांड से ज़्यादा अगर बिजली प्रोड्यूस हो रही तो गुजरात क्या करेगा राजस्थान मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र को अपनी बिजली पास करेगा बेच देगा यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी की जा सकती है कि जो कंट्री के पास अच्छा सा फ्री सोलार पावर है तो जस्ट वहाँ पे सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके फ्री में आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो और जो डिमांड वाले जो स्टेट है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच रही है वहाँ आप उसको इजीली पहुँचा सकते हो दिस वॉज एन आइडिया फ्रॉम इंडिया और इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर इसको रखा और अब तक सौ से ज़्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ चुके हैं यूनाइटेड नेशन्स का ऑब्जर्वर के तौर पर जुड़ना इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया लॉन्च कब किया गया था इसको सो इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट वॉज लॉन्च्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन थर्टी नवम्बर ट्वेंटी फिफ्टीन इन पैरिस फ्रांस ऑन द sidelines of ऑफ यू एन एफ सी 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 दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप ट्वेंटी रिसेंटली कॉप ट्वेंटी सिक्स हुआ हमने उसके बारे में डिटेल में नेट जीरो वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था सो so, इसमें 121 ट्वेंटी वन सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइंग फुल्ली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ केप्रिकोन एज रिस्पेक्ट एज प्रोस्पेक्टिव मेम्बर्स कितने मेम्बर्स हैं सो अभी के लिए उसमें एक सौ एक देशों ने रजिस्टर uh, किया है दे हैव द अलायंस आफ्टर बींग जॉइंड बाई लेटेस्ट बाई द यूनाइटेड नेशंस ओके तो यूनाइटेड नेशंस इज द लेटेस्ट जॉइन टू दई एस ए क्वार्टर कहाँ पर है इसका सो द हेड देडक्वाटर इज इन इंडिया विथ इट्स इंट्रीम सेक्रेटरीट बी सेटअप इन गुरुग्राम तो अभी के लिए टेम्प्रेली गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया है ऑब्जेक्टिव क्या है टू कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस टू दी स्केलिंग अप फॉर सोलार एनर्जी इन आई एस ए मेम्बर कंट्रीज़ न्यू आई एस ए प्रोग्राम धीरे धीरे लॉन्च किए जाएंगे एक पूरा नया मार्केट एक नई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी करने का गवर्नमेंट का एम है सो न्यू आई एस ए प्रोग्राम्स है लॉन्च ऑन मैनेजमेंट ऑफ सोलर पी वी पैनल्स एंड बैटरी यूसेज वेस्ट एंड सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम द न्यू हाइड्रोजन इनिशिएटिव इज एम्ड एट अनेबलिंग द यूज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी

पावर जनरेट होना चाहिए दिस इज़ इन लाइन विद इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट टू अचीव अबाउट फोर्टी परसेंट क्यूम्यूलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स एंड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जी डी पी बाई थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट फ्राम टू थाउजेंड फाइव लेवल बाई ट्वेंटी थर्टी तो ये कॉप ट्वेंटी सिक्स में हमने जो हमारे एम्बिशन थे उसको और थोड़ा हार्डली हमने पुश कर दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है जिसको हम शॉर्टली ओसोवोग के नाम से जानते हैं सो गवर्नमेंट स्कीम्स लाई गई है क्या कौन सी सो सच एज सोलार पार्क स्कीम कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम बंडलिंग स्कीम ग्रिड कनेक्टेड सोलार रूफटॉप स्कीम वगैरह लाया गया है गाँवों में और शहरों में अलग अलग तरीके से फास्ट पेस पे पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग सोलर प्लांट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लाया गया है सो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज़ एन टी पी सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ अ लो कार्बन फुटप्रिंट तो जो कन्वेंशनल मेथड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे लोअर कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आई एस एब्जर्वर स्टेटस टू यूनाइटेड नेशंस एंड ओसोवोग प्लान आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट अस नो टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी